क्या अति शोर मचा रखा है? अरे सर जी आप? हाँ मैं। आपको पता है जिसने क्या किया है? ईब के कर दिया इसने। एक लड़के के हाथ पे काट लिया, पूरा खून निकाल दिया। ये लड़की है, जानवर है। और पता क्या करती है, कभी किसी की कॉपी फाड़ देती है, कभी किसी के पेन गाड़ देती है। ऐसा बच्चा नीचे मैं स्कूल में। और इसे जरा ये तो पूछो कितने मार्क्स आए इसके टेस्ट में। कितने मार्क्स आए हैं छोरी तेरे? ये बोलेगी भी अग्नि 20 में से 0। हे भगवान, ए छोरी तेरे तो खाता भी ना खोलिया। तो मैं बताऊंगी तेरे तो मैंने कती ना कटवा के धर रखी है। सर जी इसने मैं देख लूंगी, आप जाओ। ठीक है, लेकिन ये आखिरी वार्निंग है। माफ करवा के धरा, तेरे कती शर्म नहीं आती तेरे? मैं बताऊंगी रोज की रोज शिकायत आने लग रही तेरी, तेरे तो मैं हॉस्टल भेजूंगी। मैं नहीं जाऊंगी हॉस्टल वोस्टल, बस कह दिया है मैंने। जा जा बहन, कपड़े बदल ले और रोटी खा ले जा। हाँ हॉस्टल में जाऊंगी भी नहीं फिर। नहीं 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 नहीं, भगवान तो हॉस्टल के बुरे सपने भी आने लग गए हैं, क्या करूं? अरे हाँ, वो गुड्डू गंजा है ना, वो हॉस्टल में ही तो पढ़ता है। उससे पूछती हूँ कि हॉस्टल में क्या क्या होता है। हेलो गुड्डू यार, कुछ काम है तेरे से, मेरे घर के बाहर आके मिलना मुझसे। हाँ ठीक है, मैं आधे घंटे में मिलती हूँ। यार गुड्डू, तू तो 2 साल से हॉस्टल में रह रहा है ना? हाँ मैं हॉस्टल में रहता हूँ, पर मैं 10 दिन की छुट्टी लेके आया हूँ हॉस्टल से। पर ये बात तू क्यों पूछ रही है? यार मेरी मम्मी ना मुझे हॉस्टल भेज रही है। पर क्यों? यार तेरे को तो पता ही है ना मैं कितनी शरारती हूँ। स्कूल में ना मैंने अपने क्लास के बच्चों को पीट भी रखा है, और इस बार तो मेरे मार्क्स भी 0 आए हैं एग्जाम में, इसलिए मेरे ना क्लास टीचर ने मम्मी को कंप्लेंट कर दी। ओ फिर क्या, मम्मी ने बहुत डांटा। मेरी मम्मी को लगता है कि मेरा ना मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं होगा, इसलिए मेरा करियर बनाने के लिए ना उन्होंने मेरा एडमिशन हॉस्टल में करवा दिया। वैसे उन्होंने बिल्कुल सही करा, तू तो है ही शरारती। ओ हेलो, मेरी मम्मी को और तुझे पता नहीं है कि मैं कितनी टैलेंटेड हूँ। अच्छा? हाँ मेरा ना यूट्यूब चैनल भी है, और मैं बहुत अच्छी एक्टिंग करती हूँ, लोग ना मेरी बहुत तारीफ करते हैं। रुक मैं दिखाती हूँ तुझे, ये देख लोगों ने मेरा नंबर किस किस नाम से सेव किया हुआ है। फैंसी नैंसी, नैंसी एक्टिंग, नैंसी शूट, यूट्यूब नैंसी। पर तुझे कैसे पता? गेट कॉन्टेक्ट ऐप यूज करके। ये शो करता है कि लोगों ने आपका नंबर अपनी फोन बुक में किस किस नाम से सेव किया हुआ है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये आपके फोन पे आने वाले स्पैम कॉल्स को भी ब्लॉक कर सकता है, और आपके कॉल आंसर करने से पहले कॉल आइडेंटिफाई भी करता है। वाव काफी यूनिक ऐप है, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ इसके बारे में, मैं भी डाउनलोड करूंगा इसको। हाँ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप गेट कॉन्टेक्ट ऐप डाउनलोड कर सकते हो, और आपको गेट कॉन्टेक्ट ऐप प्ले स्टोर, ऐप स्टोर और ऐप गैलरी पर भी मिल जाएगा। चल अब तू ये बताना मुझे हॉस्टल में क्या क्या होता है। हॉस्टल में तो नए बच्चों को बहुत परेशान करते हैं, और खाना तो अच्छा होता ही नहीं है। यार अब मैं क्या करूं, मैं तो बुरी फंस गई। नैंसी। हाँ मम्मी। देख मैं ना तेरे हॉस्टल की बात कराई हूँ, तो सुबह तैयार हो जाए, तेरा हॉस्टल जाना है। अरे यार मम्मी मैंने बोल दिया ना मैं हॉस्टल नहीं जाऊंगी, फिर भी पीछे पड़े हुए, बस हॉस्टल जाना है, हॉस्टल जाना नहीं जाऊंगी मैं। तेरा तो बाप भी जाओगा हॉस्टल, जब कह दिया ना सुबह तैयार हो जाइए तो तैयार हो जाइए छोरी, आई बात समझ में? हाँ तो ठीक है फिर, मेरे बाप को मतलब पापा को ही भेज देना फिर, मैं नहीं जाऊंगी। यार तो मैंने कह दिया ना नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी, अगर आपने मेरे साथ जिद करी ना तो फिर मैं भी जिद कर लूंगी, खाना भी नहीं खाऊंगी, सांस भी नहीं लूंगी, मर जाऊंगी, फिर हॉस्टल नहीं जाऊंगी। अच्छा ये ले आईफोन, हॉस्टल के लिए तैयार हो जाइए सुबह। आईफोन मेरे लिए? हाँ बात भी तो करेगी मेरे तय, फोन तो देना जरूरी है।
अरे हॉस्टल जाने वाले को फोन भी मिलता है। ठीक है मम्मी चली जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी। ठीक है तैयार हो जे सुबह। ओ तेरे आईफोन, मुझे तो पता ही नहीं था हॉस्टल जाने वाले को फोन मिलता है, वो भी आईफोन। ओ बेटे मौज होगी, अब तो हॉस्टल में सारा घंटे बस फोन यूज करती रहूंगी, रील्स देखती रहूंगी, रील्स बनाऊंगी, गेम खेलूंगी, यस कोई भी नहीं टोकेगा। मम्मी एक बार फिर सोच लो, पक्का आप मुझे हॉस्टल भेजोगे? मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा वहाँ पे। देख छोरी मने बेरहग तेरा मन ना लगा है, लेकिन हम तेरे माँ बाप है, तेरे से गलत थोड़ी ना सोचेंगे कुछ, ठीक है? और देख तने करियर बनाने तो जाना ही पड़ेगा, और देख मैंने तेरे लड्डू भी बनाए हैं, जब तने भूख लग गया आराम तक खा लिए, ठीक है? चाली ले, ध्यान से खा लियो हैं। पर मम्मी मेरे को बहुत डर लग रहा है हॉस्टल में जाने में। देख छोरी घने ना ड्रामे मत करे, आई बात समझ में, फोन ले लूंगी तेरा, बोल ले लूं। ओए मां जा चली जाइ। तुम्हें मैगी पसंद है ना, मैंने तुम्हारे चक्कर में बाल भी मैगी जैसे करा लिए। करता हूँ बात। आप ही हो ना न्यू एडमिशन हमारे स्कूल हॉस्टल के? यस सर। आपको रूम अलॉट करने से पहले मैं यहाँ के रूल समझा देता हूँ। शाम को 7 बजे के बाद नो एंट्री, कोई भी एंट्रियाँ नहीं होगी। 6 बजे मेस बनता है, उसमें आपको खाना खाना पड़ेगा, उसके बाद कोई खाना नहीं मिलेगा। ओए मां। मील में जो भी खाना मिलेगा आपको वही खाना, यहाँ आपकी कोई फरमाइश नहीं मानी जाएगी। आपके हॉस्टल के आसपास कोई भी लड़का नहीं घूमना चाहिए। आपको रात को 8 बजे सो जाना है और सुबह जल्दी उठना है, बस यही रूल्स हैं। आपका रूम नंबर है 107। ठीक है सर, थैंक यू। रूम नंबर 107। हाँ 107। अच्छा तो तुम्हारा न्यू एडमिशन है स्कूल हॉस्टल में, तो सुन लो हमारे रूल्स। ये हम दोनों का बेड है और वो तुम्हारा बेड है, कोई भी नई लड़की आएगी तुम्हारे साथ सोएगी, और ये अलमारी हमारी है वो तुम्हारी है। हमारी अलमारी से सामान नहीं चोरी होना चाहिए। हाँ और हमारी अलमारी से कोई भी बिस्किट विस्किट चुराए ना तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, समझी? और मेन चीज साफ सफाई, बिल्कुल गंदगी नहीं पसंद हमें, कुछ भी कूड़ा दिख गया ना तो छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। ये दोनों रूममेट्स तो कितनी खतरनाक लग रही है, दोनों की शक्लें ऐसी है, अभी मेरी रैगिंग करने वाली है बुरी वाली। ओए मां। और इसकी तो गर्दन पे भी चोट लगी है, पक्का इसने किसी को पीटा होगा तभी इसकी गर्दन में चोट लगी है। अगला नंबर मेरा है।
अरे तू रो क्यों रही है, क्या बात होगी? मम्मी मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। अरे थोड़े दिनों में तेरा मन लग जाएगा, अभी नई नई जगह है ना, इसलिए तेरा मन नहीं लग रहा। नहीं मम्मी मुझे घर आना है वापस। देख छोरी चुप हो जा करती, ठीक है, लग जाओगे तेरा मन नहीं। धरू मैं फोन, फोन मत कर दिए मेरे थोड़े। तो पक्का ये लोग मेरी रैगिंग के लिए उठे होंगे, रात को पता नहीं क्या करेंगे मेरे साथ। मेरा ना यहाँ पे मन नहीं लग रहा, मेरे को मेरे घर की याद आ रही है। ओहो स्टार्टिंग में ऐसा होता है, मन नहीं लगता, लेकिन फिर उसके बाद इतना मन लग जाएगा तुम्हारा कि जाने का ही मन नहीं करेगा, जैसे अभी हम यहाँ पे रह रहे हैं। तुम दोनों मेरी रैगिंग तो नहीं करोगे? रैगिंग रैगिंग हम क्यों करेंगे तुम्हारी रैगिंग। फिर ये चोट कैसे लगी? ओहो वो मैं रेसलिंग में हूँ ना, इसलिए चोट लगती रहती है। अच्छा फिर ठीक है। मेरा नाम काम्या है। मेरा नाम शीला है। और मेरा नाम नैंसी है। नैंसी नहीं नैंसी, नैंसी। ठीक है भाई। तुम्हें पता हमारे स्कूल हॉस्टल में ना ये वार्डन है। तुमने मेस का खाना खाया? नहीं मैंने तो अभी तक नहीं खाया। हमने भी नहीं खाया, चलो खाना खाने चलते। अच्छा हुआ ना टाइम से चले गए, सब्जी भी खत्म होने वाली थी। और क्या? कैसे खा रहे हो इसको? दही देखना, इतना पानी है कि मछली को छोड़ दो तो वो भी तैरने लग जाए। और रोटी, इसको तो मुझे लग रहा है कि और इसे काटनी पड़ेगी। ओए माँ। सब्जी। इतनी मिर्ची कैसे खाते तुम लोग ये खाना? तुम नहीं हो ना इसलिए तुम्हें आदत नहीं है, धीरे धीरे ना तुम्हें भी आदत हो जाएगी जैसे हम खा रहे हैं। अरे पेट में जो वॉशरूम होके आना पड़ेगा। अच्छा खाना खाया मैंने तो ये। मम्मी को फोन करती हूँ। Thank you.
ईब के हो गया, ईब क्या तीरो है तू? अरे मम्मी यहाँ हॉस्टल में इतना गंदा खाना देते हैं, आपको पता है सब्जी में ना इतनी सारी मिर्च होती है और दही इतनी पतली बिल्कुल सूप जैसी, रोटी तो टूटती ही नहीं है। मम्मी मेरा पेट खराब हो गया यहाँ का खाना खा के, मैं घर आ रही हूँ वापिस। अच्छा रुक जा, मैं तेरे पैसे भेजूँ, ठीक से बाहर से दवाई ले आइए और खा लिए। और एक काम करिए, एक टाइम हॉस्टल का खाना खा लिया कर, एक टाइम बाहर का, धीरे धीरे आदत पड़ जाओगी तने, ठीक है? देख छोरी, मैंने तेरे कह दी ना कोई जरूरत नहीं आन की, ये दोबारा फोन मत कर दिया मेरे धोरे। ओए माँ, पर मम्मी अरे यार मम्मी तो कुछ समझती नहीं है, मैं परेशान हो गई हूँ यहाँ पे। ओए क्या हो गया, तो अभी तक सोए क्यों नहीं? यार वो खाना खा के ना मेरे को लूज मोशन हो गए, पूरी रात से परेशान हो रही हूँ, बस वॉशरूम जा जाके और पेट भी दुख रहा है। ओहो, शुरू में हमारे साथ भी ऐसे ही होता था, मैस का फूड खा के उल्टी और दस्त लग जाते थे, लेकिन तेरे को आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे। ठीक है मैं तुम लोगों के साथ सो जाऊँ, आज मेरे को ना अकेले नींद नहीं आ रही और पेट भी दर्द हो रहा है। आजा 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 यहाँ पे सो जा, आजा। वो देखना वो बॉयज हॉस्टल है ना? हाँ वहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ है कर्ली वाले वाला, यार काला सा दिख रहा है, मुझे तो सब साफ साफ दिख रहा है। देख रही हो? रुक जा देख मेरे पास क्या है। ये लेजर लाइट कहाँ से आ रही है? अच्छा गर्ल्स हॉस्टल से, इंटरेस्टिंग। ओए ये भी लाइन मार रहा है, मुझको लाइन मार रहा है, मेरे पे मार रहा है लेजर लाइट, देख मेरे पे मार रहा है लेजर लाइट है तो। अरे तुम पे नहीं मुझ पे मार रहा है, ये देखो ये देखो। ओए वार्डन की आवाज आ रही है। हाँ। चल चल, चल। जल्दी जल्दी सारा सामान पैक करो, वार्डन आ रहा है, सेकंड फ्लोर पे है। जल्दी जितना भी इलेक्ट्रिक सामान है ना सब छुपा ले, जो भी यूज होता है बिजली से। पर क्यों? वो सब मैं तेरे को बाद में बताऊंगी, जल्दी छुपा। जल्दी जल्दी। अरे इंडक्शन क्यों बाहर रखा हुआ है? और ये टीवी? अरे टीवी खराब है, एसी लगा रखा है। ड्रायर 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 उठा। हाँ भाई लड़कियों, इलेक्ट्रिकल आइटम्स कहाँ है तुम्हारी? दिख रहा है आपको कहीं सर? जब दिख ही नहीं रहा तो है ही नहीं। वो चार्जर क्यों लगा रखा है? फोन चार्ज करने के लिए। तो उसे वहाँ क्यों लगाया है? तो क्या चार्जर को अपनी नाक पे लगा के फोन चार्ज करें? सॉकेट दे ही क्यों रखे हैं जब यूज नहीं करने देना तो। बदतमीज लड़कियाँ, और यह तो फालतू की लाइटें होना ना, बंद करो इन्हें। क्या यार तूने मेरे वार्डन को नाराज कर दिया, चूमिन जैसे बालों वाला। क्यूट है यार वो कितना। पर यार एक बात बताओ, ये ऐसे मना क्यों करते हैं कोई भी सामान यूज करने के लिए? ये हमारे स्कूल हॉस्टल में रूल है कि कोई भी बच्चा कोई इलेक्ट्रिक आइटम्स यूज नहीं करेगा, क्योंकि इनका बिल ज्यादा आता है इससे। और अगर हम आज पकड़े जाते ना सारे इलेक्ट्रिक आइटम से, तो हमें पूरे 10,000 का फाइन देना पड़ता। चिंदी चोरी करते है इसका मतलब। यार तुम लोग बोर नहीं होते क्या हॉस्टल में? बोर? बोर तू अभी इसलिए हो रही है क्योंकि तूने अभी हॉस्टल के बाहर के मजे लिए ही नहीं है। मतलब कि हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं, तुझे आज ऐसी मस्ती कराएंगे ना तूने कभी नहीं करी होगी अपनी लाइफ में। नहीं नहीं यार, अगर वार्डन को पता चल गया तो?
मेरे घर पे कंप्लेंट कर देंगे। वार्डन, वार्डन की चिंता तू मत कर, ऐसे हम कितनी बार घूमने गए हुए हैं, हम एक्सपर्ट हो चुके हैं, एक्सपर्ट। अच्छा 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 मत कर, जल्दी से तैयार हो जाओ, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के फिर चलते हैं। ठीक है चलो। बेबी परवन की तू बाटली, मैं तेरा हैप्पी आर, तू सैटरडे की रात है, मैं संडे का अखबार, तू उमराओ जान दो, मैं बच्चन की दीवार, पापड़ ले मेरी डार्लिंग, तू झूठी मैं मक्कार। वाओ यार मजे आ रहे। तो वही लड़का है ना बॉयज हॉस्टल वाला जिसपे हम लेजर मार रहे थे। हाँ वही है तो। अरे तो हमारी साइड ही आ रहा है। अरे मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? मैं भी ठीक लग रही हूँ ना। चुप कर। मैं भी ठीक लग रही हूँ ना। तू भी ठीक लगेगी। अरे अरे यार तुम लोग तो वही हो ना, गर्ल्स हॉस्टल वाली, रात को लेजर। वही वही। अच्छा तो इधर क्या कर रहे हो? वो आज हमारे हॉस्टल की छुट्टी थी ना तो हम लोग घूमने के लिए आए थे। अच्छा तो मेरे साथ घूम लो। खैर मुझे क्या करना, मेरा तो है वार्डन। मैंने तो यू बिना चाहिए। ठीक है फिर मैं ही चली जाती हूँ। चलो आ जाओ तुम भी। पूछता हूँ मैं खुद से, दूर क्यों रहा तुमसे, जाते जाते सुन ले तू जरा, लबों पे नाम है तेरा, अद में याद है तेरी, तू मेरा ना हुआ तो क्या, तू फिर भी जान है मैं। आँखें कॉफी पीते पीते मिल रही झोंकों से हिल रही है, जीने के है चार दिन, बाकी है बेकार दिन, जीने के है चार दिन। तो बहुत अच्छा लगा तुम्हारे साथ घूम के, कुछ दिनों बाद फिर मिलते हैं। हाँ मिलेंगे। वैसे तुम्हारी इंस्टाग्राम आईडी क्या है? फैंसी नैंसी 07। ओके बाय बाय। गेट तो बंद हो गया, अब कैसे अंदर जाएंगे हम इस टाइम? ओए माँ। अरे यार तू टेंशन क्यों लेती है, हमारे पास ना हर चीज का जुगाड़ है। पीछे का रास्ता है ना वैसे भी। ठीक है फिर जल्दी चलो। चलो
देखो लड़कियों, तुम्हारी अगले एक हफ्ते तक हॉस्टल की छुट्टी है, तो तुम तीनों घर जाओगी या यहीं रुकोगे? क्योंकि मैस वाले और बाकी लड़कियां घर जा चुके हैं। घर ही जाएंगे, यहाँ रह के पोचा थोड़ी मारना है। हाँ सर, मैं भी अपनी मम्मी के पास जाऊंगी। और आप? आप जहाँ मैं वहाँ। क्या? कुछ नहीं सर, वो कह रही थी कि घर ही जाएगी वो भी। आपकी? जाओ। मेरी बस तो ये खड़ी। मेरी बोरी। मेरी बस आती ही होगी। 7 दिन के लिए जा रहे हैं, तुम लोगों को मैं बहुत मिस करूंगी। हम भी। चलो मेरी बस भी आ गई। बाय बाय। मुझे खाक से उठा के मेरी जिंदगी सवारी, मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के कितने दिन की छुट्टी में आई है? पूरे 7 दिन की छुट्टी में आई हूँ मम्मी। पूरे मौज काटेंगे 7 दिन। हाँ ठीक है मम्मी, अभी ना मेरे को कुछ खाने के लिए दे दो, घर के खाने की ना बहुत याद आ रही थी। जाओ जल्दी से खाना ले आओ। अभी लेकर आई। और बता तेरा हॉस्टल कैसे चल रहा है, मन लग गया तेरा? हाँ मम्मी, अब तो मन लग ही गया मेरा। ले मैंने कही बताना। और अगर आप लोग भी जानना चाहते हो कि लोगों ने आपका नंबर अपने फोन बुक में किस नाम से सेव किया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से गेट कॉन्टैक्ट ऐप डाउनलोड करो। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी। बाय बाय।